राम जी अगर मोदी जी से एक बात बताइए, ये देश भर में न्याय होना बोल तो बीसी का आबादी ओबीसी है ना, बीसी आबादी बहुत 70 करोड़ आबादी है, उन लोगों के लिए आरक्षण कुछ भी नहीं है, कोई संसद में कोई विधायक में कुछ भी एक अपना सदस्य नहीं रह रहे। हर बीसी के आदमी आपका तस्वीर को घर में लगाकर पूजा करेंगे कि ये बीसी प्रधानी होने से हम बीसियों को अच्छा एक आरक्षण मिला बोल के कहते। जातिवाद पहले का नहीं, जातिवाद तो बहुत दिन से आ रहा, लेकिन अपना देश भर में कोई कितना कितना कास्ट में मतलब कोई जात में कितना आदमी है, कितना कोई जात में कितना पढ़ के है, तो क्या आरक्षण देना है, किस पैसे किस लिए बजट लगाना है, किस तरह से करना देश का पालन पूरा गणना से होता बोल के सब आबादी का मानना है। सटीक खबरों का सीधा असर, आप देख रहे हैं NCR समाचार, खबर भी असर भी। मंगवाना और आप देख रहे हैं NCR समाचार। इस वक्त हमारी मौजूदगी जंतर मंतर पर है, यहाँ पर तमाम लोग तेलंगाना से आए हैं और ओबीसी आरक्षण की मांग करें, जो कि एक पूरे भारत के ओबीसी समाज की मांग है सरकार से। पर देखना ये होगा 2024 के लोकसभा चुनाव करीब है, क्या प्रधानमंत्री इस बारे में चर्चा संसद में करते हैं या नहीं, ये देखने वाली बात है। तो जानने की कोशिश करेंगे, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है, अपना परिचय बताइए कहाँ से आए सर। मेरा नाम बाल राजू है, जमालपुर, मैं हैदराबाद से हूँ, तेलंगाना। हम लोग हमारे संसद राज्यसभा आर कृष्णय्य जी ने हमारा नेतृत्व है, नेतृत्व में हम लोग बीसी यानी ओबीसी हमारे स्टेट में जो है बीसी कहते हैं, हम लोग आरक्षण के लिए आए। ये देश भर में आबादी 50% से ज्यादा है, लेकिन आरक्षण में लेके तो 5-10% या 20% तक ही है। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी से मैं विनम्र निवेदन कर रहा हूँ, आप एक बीसी के प्रधानी होते हुए हमारे बीसियों के आबादी के बारे में सोचिए और चुनाव के पहले इसी संसद सेशन में ये बीसी बिल को ओबीसी बिल को लगाकर आरक्षण को पारित करके हम सारे देश भर में बीसियों के लिए आपका बहुत बहुत आभारी होंगे। और अब लास्ट जनवरी में रामलला का भी प्रतिष्ठा किए थे, रामलला का प्रतिष्ठा के समय में आप बोल रहे थे कि राम राज्य इस देश में आ रहे हैं। हम लोग यही राम से अब एक बार निवेदन कर रहे हैं, राम जी अगर मोदी जी से एक बात बताइए, ये देश भर में न्याय होना बोल तो बीसी का आबादी ओबीसी है ना, बीसी आबादी बहुत 70 करोड़ आबादी है, उन लोगों के लिए आरक्षण कुछ भी नहीं है, कोई संसद में कोई विधायक में कुछ भी एक अपना सदस्य नहीं रह रहे क्योंकि आरक्षण के वजह से। इसलिए जल्द से जल्द आप इस बिल को बीसी बिल को आरक्षण का बिल को प्रवेश कीजिए और संसद में पारित करने का कोशिश कीजिए। हर बीसी के आदमी आपका तस्वीर को घर में लगाकर पूजा करेंगे कि ये बीसी प्रधानी होने से हम बीसियों को अच्छा एक आरक्षण मिला बोल के कहते। कांग्रेस की सरकार है तेलंगाना में, वो क्या कहती है ओबीसी आरक्षण के बारे में? वो अभी तो नया मुख्यमंत्री कांग्रेस से बना हुआ है, वो परसों ही ऐलान किया है कि बीसी का बीसी मतलब सभी कास्टों का आरक्षण, सभी कास्टों का गणना बोलते ना, गणन करने के लिए परसों भी एक जीओ भी इश्यू करे, हम भी स्वागत कर रहे हैं क्योंकि एक कोसा कास्ट में कितना पॉपुलेशन है, कितना आबादी है, वो पूरा क्लियर मालूम होने से जिसको कितना आरक्षण देना, जिसको कितना कितना आबादी है, किसको उतना बजट, कितना बजट रखना, वो सब मालूम होता है। इसलिए हम स्वागत कर रहे हैं हमारे मुख्यमंत्री जी को और एक बार हम लोग अभिनंदन कर रहे हैं। जनगणना हमारे तेलंगाना में तो स्टार्ट हो गए, अभी देश भर में भी जनगणना होने के लिए हम प्रधानी से बहुत बार सारे आबादी ऐसी जनगणना के लिए जनगणना के विरोध में भाजपा कहती है जनगणना कराने से जातिवाद फैलेगा। जातिवाद फैलेगा नहीं, जातिवाद तो बहुत दिन से आ रहा, लेकिन अपना देश भर में कोई कितना कितना कास्ट में मतलब कोई जात में कितना आदमी है, कितना कोई जात में कितना पढ़ के है, तो क्या आरक्षण देना है, किस पैसे किस लिए बजट लगाना है, किस तरह से करना देश का पालन पूरा गणना से होता बोलते
सब आबादी का मानना है। आज आप ओबीसी के लोग मांग कर रहे हैं कि हमें आरक्षण दिए, जनगणना कराएंगे, कल ऐसे और भी लोग आ सकते हैं, तो ये थोड़ा मुश्किल नहीं हो जाएगा सरकार के लिए? क्योंकि सरकार अभी सबके लिए रामराज का पाल राम का राज्य रामराज ओबीसी आरक्षण की मांग कर रहे हैं। अभी तो हम लोग 70 करोड़ आबादी है, हम लोगों को पूरा मिला के 20% भी आरक्षण नहीं है। देश भर में आप देखिए, कोई राज्य में देखिए, किधर भी आरक्षण में गए तो बीसियों के लिए 7% 10% ऐसे ही है। हमारा मानना है कि हम लोग मांग रहे हैं कि देश भर में जितना भी आबादी है उनके लिए आरक्षण है तो सभी के लिए अच्छा होगा। ये आप मांग क्यों कर रहे हैं ओबीसी की, आखिरकार आपके साथ तेलंगाना में ऐसा क्या हो रहा है? देखिए, हमारे तेलंगाना के राज्य के लिए तो हमारा तेलंगाना में 4.5 करोड़ आबादी में हम लोग 2.5 करोड़ आबादी है, लेकिन आरक्षण के नहीं रहने वजह से हम लोगों का भेदभाव होता है ना, भेदभाव होता है कि ये पोस्ट में SC ST का रिजर्वेशन रहता है लेकिन ओबीसी को नहीं रहता ना, तो इसीलिए हम लोग उद्योग जो एम्प्लॉय बनने में मुश्किल हो रहा है। इसलिए सरकार आपकी मांग पूरी नहीं करती, क्योंकि आप पहले भी आए हैं ओबीसी आरक्षण की मांग करते हुए, जनगणना की मांग करते हुए, और अभी 24 के चुनाव करीब है, तो क्या करने वाले? अभी 24 का चुनाव में इन लोगों का मैनिफेस्टो में अगर ये बात लगाए तो हम लोग एक साथ उनके साथ में रहते, नहीं तो जो जनगणना करने का जो गवर्नमेंट आती है उन लोगों को हम स्वागत करते। तो जनगणना करना इतना आसान नहीं है सरकार के लिए, खर्चे बढ़ जाएंगे, अर्थव्यवस्था रुक जाएगी, बहुत सारी चीजें। क्यों, चुनाव करने में बहुत करोड़ों का रुपए खर्च कर रहे हैं ना, अब चुनाव करने में और दूसरा उसमें भी बहुत कुछ खर्चा हो रहा है। एक बार करे तो अपने को 25-30 साल तक गन्ना का रहता ना माल पालन करने के लिए। नीतीश कुमार ने जनगणना करवाई थी पर आपको खुद ही NDA में चले गए हैं, तो उन्होंने जनता के लिए एक डिसीजन लिए है, उनको बाद में उनका जो वो पार्टी का निबंधन है उनसे लिए NDA में चले गए, लेकिन उन तो गन्ना के लिए वो कहते ना उन्होंने करके सभी जनता को उन्होंने सेटिस्फाई किए ना। मोदी जी के 9 साल कैसे रहे ये बताइए? मोदी जी का 9 साल तो देखिए, अभी इन लोग तो एक ही दम, अभी इससे पहले हम लोग हिंदू बोल के बोल रहे ना, तो 70 साल से 75 साल से भी हिंदू है ना, हम भी पूजा करते हम भी करते, लेकिन इसको जो ये लोग का मुद्दा उठा के उसका फायदा करने का मौका ले रहे उनको नहीं। अभी कोई भी रहने, हर एक इंसान भगवान को मानता है, ईसाई क्रिश्चियन को और मुस्लिम अल्लाह को, और हम लोग भी सभी भगवान को मानते हैं, लेकिन ये लोग ही हिंदू बोलकर अलग। जरूरी था रामराज्य का, मतलब राम का तो स्थापित होना जरूरी था, क्योंकि राम का बहुत चरित्र देखे ना, इससे बहुत है राम जी का। पर विपक्ष कह रहे कि अस्पताल बना देते तो इलाज हो जाता लोगों का, मतलब उधर तो उधर ही नहीं, अभी अस्पताल बनाने बहुत जगह है ना, वो तो राम का प्रतिष्ठा उधर इधर करने का उधर ही हुआ, वो तो सभी जनता के लिए सभी हिंदुओं के लिए आदरणीय बात है, लेकिन अस्पताल भी बनने के लिए बहुत जगह है, बन सकते। 24 के चुनाव में क्या होने वाला, कौन, राहुल गांधी या फिर मोदी जी? देखो अभी ये सिचुएशन में देखो तो अभी तो सारे देश में पूरा मोदी का ही चल रहा है, मोदी का चरिश्मा चल रहा है, आगे गवर्नमेंट भी मोदी का ही रहेगा, नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर हैट्रिक प्राइम मिनिस्टर भी मोदी जी रहेगा, लेकिन हम लोग बीसी से एक बार निवेदन कर रहे हैं कि हमारे बीसी के लिए आरक्षण करने का कोशिश कीजिए। थैंक यू। ओबीसी की आरक्षण की मांग कर रहे हैं, जनगणना की मांग कर रहे हैं, पर देखना ये होगा कि 2024 में क्या इनकी मांगे पूरी कर पाएगी सरकार या नहीं, ये बड़ा मुद्दा है। मैं आपके साथ रितेश मंगवाना और आप देख रहे थे NCR समाचार।